यूपी में 2022 का विधानसभा चुनाव जारी है, जिसको लेकर पुलिस व प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट दिखाई दे रहा है। वहीं प्रशासन की ओर से कोई कमी न रह जाए, इसको लेकर लगातार प्रशासनिक अधिकारी अपना कार्य करते नजर आ रहे हैं। आज पीलीभीत के तहसील अमरिया में भारी पुलिस बल के साथ में आज तहसील अमरिया के लगभग दर्जनों गांवों में पुलिस फोर्स ने रूट मार्च किया है। आपको बताते चले, विधानसभा 2022 के चुनाव को लेकर पीलीभीत के तहसील अमरिया में दर्जनों ग्राम पंचायतों में एसडीएम अमरिया आशुतोष गुप्ता व थाना प्रभारी वीरेश कुमार की अगुवाई में आज एसएसबी के जवानों के साथ रूट मार्च किया है। चुनाव के मद्देनजर रखते हुए प्रशासन सतर्कता दिखा रहा है। वहीं ग्राम पंचायतों पर चुनाव को लेकर कोई घटना न हो सके, इसको लेकर प्रशासन कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है। आज अमरिया कस्बे के धुंधरी, मांदपुर, कैचूटांडा, सरंदा पट्टी, पिंजरा, बड़ेपुरा, उदयपुर, नूरपुर, जगत आदि लगभग दर्जनों ग्राम पंचायतों में पैरा मिलिट्री फोर्स भारी पुलिस बल के साथ उप जिलाधिकारी अमरिया आशुतोष गुप्ता व थाना प्रभारी वीरेश कुमार की अगुवाई में रूट मार्च किया गया। ग्राम पंचायत व सड़कों पर घूमते ये सेना के जवान ये साफ दिखाई दे रहा है कि आने वाले 2022 के मतदान से पहले कोई भी घटना न घट सके, क्योंकि लगातार पुलिस प्रशासन अपनी सतर्कता दिखा रहा है। क्षेत्र में न हो कोई अप्रिय घटना, इसको लेकर पूरी तरह से प्रशासन अलर्ट दिखाई दे रहा है। आज अमरिया कस्बे में पैरा मिलिट्री फोर्स बीएसएफ के जवानों द्वारा लगातार रूट मार्च किया गया। इस दौरान अमरिया के प्रशासनिक अधिकारी एवं भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि यदि कोई भी प्रत्याशी एवं उसका कार्यकर्ता आचार संहिता का उल्लंघन करता पाया जाता है, उसके खिलाफ प्रशासनिक स्तर पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसको लेकर ग्राम पंचायत अमरिया क्षेत्र के कई ग्राम पंचायतों में आज पैरामिलिट्री फोर्स के साथ एसडीएम व थाना प्रभारी अमरिया द्वारा रूट मार्च किया गया है।